और भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूती प्रदान करने वाले Y20 के आज के सम्मेलन में जिनके नेतृत्व में दुनिया के युवक डेलीगेट्स यहां पर उपस्थित हुए हैं, सूचना और प्रसारण तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट के मेरे सहयोगी गण श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, अरविंद कुमार शर्मा जी, अनिल राजभर जी, युवा साथियों, देश के सबसे प्राचीन आध्यात्मिक नगरी में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मैं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का और आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने G20 से संबंधित कई समिट के आयोजन का अवसर उत्तर प्रदेश को दिया और उसमें Y20 का यह मुख्य समिट वाराणसी में आयोजित हो रहा है। मैं इसके लिए उनका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि वाराणसी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है। प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की नगरी होने के साथ ही भारत की अध्यात्म, दर्शन, शिक्षा, साहित्य और कला की भूमि के रूप में भी यह प्राचीन नगरी जानी जाती रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि वाराणसी उत्तर प्रदेश के प्रमुख महानगरी होने का सौभाग्य प्राप्त करती है।
इसने न केवल उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को बल्कि कला, संगीत और शिक्षा की एक प्रमुख नगरी के रूप में भी वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य अनेक नगरों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह भारत की हृदयस्थल के रूप में अपनी एक पहचान बनाने में सफल हुए हैं। वाराणसी हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इसी नगरी के सारनाथ में दिया था, जो आज भी दुनिया के बौद्ध अनुयायियों के लिए अत्यंत ही पवित्र और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि अपनी सांस्कृतिक विविधता और एकता के कारण भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी जिस भाव और भंगिमा के साथ भारत की एकता और भारत की अखंडता के लिए अपने यशस्वी नेतृत्व में कार्य कर रहा है, वह भारत को दुनिया की प्रस्तुत करती है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की यह त्रिवेणी हमें विशिष्ट बनाती है। यह वास्तव में भारत की प्राचीन उस व्यवस्था को हजारों वर्ष पहले दुनिया भारत ने सदैव से ही इन उदार भावनाओं का प्रतिबिंब हमारे युवा आने वाले समय के नीति नियंता हैं और इसीलिए विश्व मानवता के बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान में किए जा रहे विमर्श में उनकी भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। G20 के अंदर Y20 का आयोजन वास्तव में इस पूरे आयोजन की प्रासंगिकता को भी आगे बढ़ाता है। यह सम्मेलन इस वैचारिक यात्रा की प्रगति का प्रतीक है जो दुनिया के सभी कोनों से आए हुए युवाओं के सामूहिक प्रयास से कई माह पूर्व प्रारंभ की गई और यह पहली बार नहीं हुआ। मुझे जब मैं अपने युवा साथियों के बारे में सोचता हूं और जब मुझे कहीं से लगता है कि लोग हमारे युवाओं के इस पोटेंशियल पर, उनकी प्रतिभा पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो मुझे स्वयं उस समय दुख होता है। दुख इस बात को लेकर के होता है कि कौन सा ऐसा कालखंड नहीं था जब युवाओं ने अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा से जब उन्होंने एक संकल्प लिया था करने के बाद पहला उपदेश इसी वाराणसी में देते हैं, सारनाथ में, और तब वे युवा ही थे। भारत के अंदर चार कोनों में चार पीठों की स्थापना करने वाले और भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूती प्रदान करने वाले आदि शंकर मात्र 32 वर्ष की आयु तक आयु ही जिए थे। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य किया और मात्र 39 वर्ष का जीवन जिया था। स्वामी प्रणवानंद जी ने मात्र 42 वर्ष का जीवन जिया था। 1,25,000 से एक लड़ाओ तो गोविंद सिंह, इसका उद्घोष करने वाले गुरु गोविंद सिंह हो, महाराणा प्रताप हो,
छत्रपति शिवाजी महाराज हो, ये सभी युवा ही थे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। वो लड़ी मर्दानी हुआ तो ये कहने वाली महारानी लक्ष्मीबाई इसी काशी में जन्मी थी और